दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण चीन पहले से ही परेशान था, लेकिन चीन के यूनान में हंता वायरस के कारण एक व्यक्ति की मौत हो गई। विशेषज्ञों के अनुसार हंता वायरस चूहों और गिलहरियों के संपर्क में आने से फैलता है। अभी तक किए गए शोध के अनुसार यह वायरस हवा के जरिए नहीं फैलता और ना ही यह पर्सन टू पर्सन फैलता है। यदि कोई व्यक्ति चूहे और गिलहरी के संपर्क में आता है तो उसे हंता वायरस संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। हंता वायरस के कारण लोगों में हंता वायरस रोग हो जाता है, जिसके कारण इंसान की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, चीन में अब हंता वायरस आने के बाद हड़कंप मच गया है। चीन में हंता वायरस से मौत का मामला सामने आया है। कोरोना वायरस की मार का सामना कर रहे चीन के यूनान प्रांत में एक व्यक्ति की सोमवार को हंता वायरस की वजह से मौत हो गई। काम के सिलसिले में सोडंग प्रांत जा रहे युवक को एक बस में मरा हुआ पाया गया। पीड़ित व्यक्ति काम करने के लिए बस से सोडंग प्रांत से लौट रहा था। दोस्तों, कोरोना वायरस का प्रकोप दुनिया भर में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। दोस्तों, ऐसे समय में नए वायरस से मौत का मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हो रही है। भारत में और अन्य देशों में स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू के मामले पहले ही आ चुके हैं, लेकिन अब चीन में एक व्यक्ति का हंता वायरस के लिए पॉजिटिव टेस्ट किया गया है। साथ ही दोस्तों, बस में सवार अन्य 32 लोगों की भी जांच की गई है। चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स ने ट्वीट कर इस घटना की जानकारी दी है। दोस्तों, ये सुनने के बाद सोशल मीडिया पर बवाल ही मच गया है। तो दोस्तों, ऐसे समय में वायरस के लक्षण, इलाज और बचाव के उपायों के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। हंता वायरस के लक्षण आप आसानी से पहचान सकते हैं। हंता वायरस से संक्रमित होने पर उसे 101 डिग्री के ऊपर बुखार हो जाता है। इसके साथ साथ हंता वायरस से संक्रमित व्यक्ति को उल्टी और पेट दर्द की समस्या का सामना करना पड़ता है, और साथ ही त्वचा पर लाल दाने भी उभरने लगते हैं। तो दोस्तों, अब सवाल उठता है कि हंता वायरस से कैसे बचा जाए। दोस्तों, फिलहाल इस वायरस से बचने के लिए चूहे और गिलहरी के संपर्क में आने से बचना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।